के आदमी के आप सभी का खैर मकसद। हम यहाँ पर रहमत नगर, जिसे सत्य साई कॉलोनी भी कहा जाता है, तकरीबन 160 मकाना था। बारिश किस कदर गिर रही है आप देख सकते हैं, पिछले कई दिनों से मुस्तकिल बारिश जारी है यहाँ पर। लेकिन इंसान बिल्कुल एक जानवर की ज़िंदगी जीते हुए आप देख सकते हैं। वो उनकी ज़िंदगियाँ यूँ समझ लीजिए कि वो सिसक सिसक कर यहाँ पर वो रह रहे हैं। दीवारों से, छत से पानी गिर रहा है, वो सड़कों पर प्लास्टिक लगाकर वो हर रोज़ जो है पकाते हैं और खाते हैं। तकरीबन 160 मकाना थे, शहर के दरमियानी इलाके में होने के बावजूद भी यहाँ पर इनका कोई पुरसानी हाल नहीं। यहाँ पर जो उनका मसला है, ख़ास तौर से तकरीबन 10 मकाना स्लम बोर्ड की जानिब से ये कहकर गिराए गए कि आपको जो है 6 महीने के अंदर मकाना तामीर करके दिए जाएंगे, लेकिन गिराने के बाद उनके पास ना तो कोई छत है ना कोई दीवार है, मकाना आधे तैयार हैं जहाँ पर वो रह भी नहीं सकते, लिहाजा उन्हें यहाँ पर ज़िंदगी गुजारना बिल्कुल दुश्वार हो चुका है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस कदर बारिश भी है और यहाँ पर 160 मकान, तकरीबन 1500 के करीब लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन यहाँ पर उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। यहाँ पर तमाम लोग मिलकर एक मकान भी है जहाँ पर वो नमाज वगैरह अदा करने की कोशिश करते हैं। आइए हम वहाँ का भी मंजर देखते हैं कि किस कदर एक मकान को वो इबादत नमाज के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पर तकरीबन लोग जो है मेले में जो खिलौने लगाते हैं बाज़ारों में जाकर, उन्हीं के ऊपर उनका गुजारा होता है, लेकिन इस तूफानी बारिश में, धुआंधार बारिश में उनका जीना बिल्कुल मुश्किल हो चुका है। और वो अपनी फरियाद बार बार दर्ज करने के बावजूद भी स्लम बोर्ड की जानिब से या तो किसी स्मार्ट सिटी की जानिब से कोई दखल अब तक नहीं ली गई। यहाँ पर कोई आकर देखने के लिए तैयार नहीं। उम्मीद करते हैं कि अब ये जो हमने रिपोर्ट बनाई है, इसे देखकर यहाँ पर स्लम बोर्ड वाले और जो भी इसके जिम्मेदार लोग हैं यहाँ पर आए और ये जो ज़िंदगी यहाँ पर गुजार रहे, वाकई आप देख नहीं सकते ऐसे मंजर यहाँ पर। इनके मकानात, उनका रहन सहन, उनका रोज़ के जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी, किस कदर वो पका कर वो अपना गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। देखो अभी हमें 10 महीने हुआ खोल को, 10 महीने में हमने पैसे भरो और तुम्हारा सीम ऐसा है आधा फ्री आए आधा पैसे भरने का है बोले। हमें भरे 1,08,000 भरे बैंक में, डीडी भरे और अभी आधा आधा दीवार चढ़ाए। अभी क्या बोल रहे हैं 1,00,000 दो, 1,50,000 दो, 50,000 दो कर रहे हैं। हमें काशी लाना, हमें जतरे करने वाले, व्यापार करने वाले हमें। अभी हमने रहने को जगह नहीं, हमें खाट के ऊपर प्लास्टिक बंद को पका रहे, प्लास्टिक ओडले को सोने लगे। हमारे यहाँ कौन नहीं, सगे सोदरे है कौन, हमें नहीं जाते वहाँ, हमें अकेले जो मरने लगे। देखो हमारा घर पड़ा है, गवर्नमेंट से आए थे हमारे घर भरने को, 10 महीने का घर पड़ा को, अभी तक काम नहीं चल रहा। फोना करे तो फोना उठाते नहीं। हमारा माल आइटम ने हमारे पहले 1,10,000 डीडी भरे, 1,40,000 हमें डीडी भरे, 1,50,000 भरे पहला, 1,10,000 भरे, बाद में 40,000 भरे में, बाद में 1,00,000 हाथ में दी उसके कैश दी, 2,10,000-15,000 बोले हमने उन्हें पैसे एजेंट है तो हमने उन्हें अभी तक हमें पैसे भी देते चाहिए। हमारा अभी काम तो कर रहे हैं उन्होंने, हमारा स्लम बोर्ड ऑफिस गए थे तुम्हें, हमें जा पाई दो बार उन्होंने करते ही अभी यो नहीं हुआ, कहते उन्होंने क्या उनका पेमेंट नहीं हुआ, वोट ये नहीं हुआ, उन्होंने आ जाते हैं कल आते हैं ऐसा बोल बोल को हमने ये कर रहे हैं। उन्होंने 10 महीने हमारे घर पूरे छीने लगे सब ये हो रहे हैं, प्लास्टिक का बंद को लेकर हमें रही सही घर में भाड़े घर कितने दिन रखने लगे भाड़े वाले, हम ना एक जाओ करो उन्होंने खाली करो करने लगे, हमें कहाँ जाने लगे, हमारे घर पड़े से छीन लगे, हमारा जल्दी बंद को दे करना, नहीं कहते तो आ रहे भी नहीं, आगो क्या से क्लियर क्या बोल रहे भी नहीं, आज जाने वाले थे फिर आप कहते हमारे बोल रहे भी हमारे से मंगने लगे क्या ऐसे रियाज का बोलो इस्लाम बोलो इस्लाम बोर्ड में कौन क्या नहीं यो कर रहा सो बोलो, इस्लाम बोर्ड वाले साहब भी आते नहीं देखते नहीं, और रियाज भी हमारे यहाँ घर छीने लगाए 6-7 महीने में तैयार कर देता हूँ घर को, डीडी भर लें पैसे लिए डीडी भरे हमें पैसे खिले रहे, हमें बाजू के घर में रहते हैं वो घर में 6-7 महीने में तैयार होते हैं करने में, हमें पढ़ाए बंद को देते हैं करने में, उन्होंने आ रहे भी नहीं फिर को देख रहे भी नहीं, बुलाए तो पैसे पूछने लगे। अभी बाजू का घर भी पूरा छी को पानी पानी हुए, अभी आज बंद को देता हूँ कल बंद को देता हूँ, बिल्ला आए नहीं कर बोल को हमने सकाने लगे, अभी हमने क्या है सो हमने बंद को देने लगाओ ये वाला पूरे छीने लगाए, अर्थिंग पकड़ने लगे करेंट बच्चे शॉर्ट लगने लगे, बच्चों को झटके दे देखो पटने लगे बच्चे, ये बुलाने लगे तो आने लगे नहीं मैं आ जाता हूँ कल आता हूँ आ जाता हूँ कल आता हूँ बोल को 10 महीने ढकले
दस महीने में अभी हमें ग्राहक खोल को छः सात महीने में बंद को देते हैं कहीं हमें खोले इतने महीने लगाते हैं कहीं हमने मालूम नहीं अभी हमारे घर में सच पेंडिंग पड़े हैं क्या करते हैं वही टाइम हो गया तो पांच घर एक ही टाइम खोले थे अभी कम से एक साल से ऊपर हो गया घर खोल के हमारा अभी तक हमारा कुछ काम नहीं हुआ दो डीडी भरे एक डीडी का भी हमारा काम नहीं हुआ अभी तक बोलो आपको दो दो डीडी भरे एक डीडी भर के भरने के बाद एक डीडी भरे हैं दो डीडी का काम नहीं पूरा काम नहीं कर रहे अभी तक हमारा कुछ भी काम नहीं कर रहे आज आएंगे कल आएंगे बोल के ऐसी फेंक रहे ऐसी बातें बोल रहे पर कोई आ रहे आ रहे नहीं कोई दांत नहीं कर रही है हमारे घर में जेंट्स नहीं है तो हमारे कोई यहाँ पूछने के लिए नहीं है बल्कि वो लोगों ने ऐसे हमें देखे अभी एक साल हुआ अभी तक सिलाप नहीं हुआ एक भाई हमारा भी अभी तक कुछ भी नहीं काम करा उन्होंने दो दो डीडी भरे एक लाख रुपए कैश दिया और 40,000 प्लस वो दिए अभी स्लैब डालने के लिए और वो भी नहीं दिया अभी तक नहीं डाले दो महीना हो गया अभी स्लैब के 40,000 रुपए लेके गए आके साइन करके अभी तक कुछ नहीं और पीएफ वो ऑफिस में जाके बात करते वहाँ कोई बात नहीं करते और फोन करते तो फोन नहीं उठाते आदमी उजाले का बहुत बहुत शुक्रिया मैं आई सो ये कहा उन्होंने क्या बोले थे हमने स्कीम में आए थे यहाँ स्कीम ले आए थे उन्होंने जब स्कीम में ले आए थे हमको हमने क्या बोले 1,08,000 रुपये भरो उसके ऊपर क्या भरने का नहीं हमें लोन करा को देते हैं और तुम्हें चालू कर लो काम कर को बोले तो ठीक है कर को बोल को हमें भी क्या करे चालू करे हमारा खुद का पैसा लगा को पूरा घर फोड़ को सब तोड़ को ट्रैक्टर आंसी भर को ले जाको भिरका को आए उसके बाद में इन्हों काम चालू करे और जरे इन्हें पैसे इंजीनियर पैसे आ रहा इंजीनियर 40,000 दो 30,000 दो वहाँ से पैसा नहीं आ रहा तुम्हारा काम नहीं हो रहा और को ऐसा बातें करने लगे माने जब तुम्हारा लोन ही नहीं हो रहा था तो हमने पहला जो बोलने का था हमें हाई वो पोजिशन में रहते थे घर का हमें हाई वो पोजीशन में रहता था तुम्हें क्या करे ये नहीं हमें ये कर को देता है दूसरे पास ही कर को देता है तीसरे पास ही कर को देता है कर को बोल को तुम्हें हमने थेरा करे यहाँ तुम्हें अभी तुम्हें शिलाप को लेकर को थेरा कराई और शिलाप भाने टाइम को भी तुम्हें 40,000 रुपये दो तभी हमें शिलाप बातें कर रहे हैं ये पहले बातें तुम्हें पहला करने का था अभी की कर रहे हैं एक घर का सिर्फ रेडी कर को दिखलाए वो भी उन्हें अपना खुद का हाथ का पैसा लगा को उन्हें बना को लिया अभी दूसरे कैसा मालूम है आज धंधे को जाएंगे तो उनका रात का चूल्हा से लगता है नहीं तो किसके बाप का चूल्हा नहीं से लगता है यहाँ ऐसे लोग हैं यहाँ तो इसमें क्या है हमें जो भी हमारे जो पॉलिटिक्स के लोग हैं जनता कॉरपोरेशन सी और हमारे सी एम एल ए इस्लाम बोर्ड सी ऐसा हमने रिक्वेस्ट कर को ये बंद को देने को लगाओ यहाँ 160 घर आए हैं हमारे टोटल जनता प्लॉट सत्य सही कॉलोनी बेलगाम और यहाँ स्कीम बहुत आते रहते हैं यहाँ हमने कौन आपको स्कीम यो है और यो कर लो कर को आपको हमने अभी आज थोड़ी कौन बोल रहा बोलिया नहीं और जो भी जिसके भी जितना मालूम होता है उन्हीं जाजा को कर को आ रहा है बाकी लिए बहुत सारे अनपढ़ लोग हैं यहाँ ठीक बोलते उनको कुछ भी नहीं मालूम पड़ता हमें हमारे सर के चार लोग हैं तेरे तो क्या भी काम बनता है तो नहीं तो नहीं बनता तो मेन सिटी में है और लोगों को मालूम नहीं यह जनता प्लॉट है घर को और पूरे गली के घर देखो तुम्हें पूरे क्रैक मारे से पूरा पानी और प्लास्टिक का बंद बंद को रहे से किसका घर पड़े किसका यो पड़े से क्या होता है धोखा किसका मान लें और ये देखो के बी वाले हमको बुलाते हैं तो के बी वाले लाइटा चालू करके जाते हैं इतने नीचे डब्बे बटाए देखो उसके बाद में उनको भी फोना लगाते हैं तो उन्होंने भी किसके बाप को आते नहीं उनका रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास मैं दिन में 10 फोना लगा तो उनको अभी बेचतूँ तभी बेचतूँ गाड़ी कर को बोल को इन्हों बोलते रहते हैं हमारा मैं कौन भी आता नहीं और जो कचरे वाला है वो भी उसे फोन लगाना हमें तभी आग उन्हें भर ले को जाता है नहीं तो उन्हीं भी भर ले को जाता नहीं नहीं झाड़ू मारने आते हैं ऐसा पूरा जमा को जाको छोड़ते हैं ना जलाते ना करते बारिश में अभी और रोड़ा एक जरा काम करके दे तू बोला शेठ साहब बताओ एक बना को दिया तो हमारा बहुत बहुत उनको स्तर शुक्रिया नील पीले यानी कम से कम एक 10-15 साल हुआ ऐसा चेहरा में ऐसा बरसात में रह रहा ऐसा सो रहा ऐसा प्लास्टिक बन रहे नील एक दिन मैंने 3 बार पानी काटना एक दिन में 3 बार घर का पानी काटना उतना पानी जमने लगा सिलाफा बराबर नहीं हमारा मालूम
नहीं पड़ता। तकरीबन 160 से ज्यादा मकान यहाँ पर हैं और यहाँ पर खदान सैयद साहब के घर में हम देख सकते हैं कि पीछे किस जगह उनकी छत से पानी गिर रहा है और इसी में ज़िंदगी गुजर बसर करनी पड़ती है कि किस तरह की ज़िंदगी यहाँ पर गुजारी जाती है इसका एक नमूना। तकरीबन मकानात इसी तरह के हैं कि तेज़ बारिश जब होती है तो उनको उनके लिए ना तो सोने के लिए कोई जगह है, ना तो बैठने के लिए जगह है, ना तो वो कुछ पका सकते हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि हालात, ये उनका किचन रूम है, थोड़ा दिखिए यहाँ पर। सर ये किस तरह का इसका मेन पानी आता है ये दीवाल के पीछे से पूरा पानी नहीं आता तो नहीं अभी तक एक बार आओ जगह नहीं।